तो यहाँ पे जो आज का जो छोटा सा लेक्चर मैं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ये सवाल पूछते हैं कि सर प्रोग्रामिंग स्किल को हम इम्प्रूव करें कैसे, और ये लगातार सवाल जो है तो हर आईटी एक्सपर्ट से लगातार पूछा भी जाता है। तो प्रोग्रामिंग स्किल्स को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज मैं ऐसे 6 स्टेप आपको बता रहा हूँ जिससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टेप 1 आपका ये रहता है कि कम से कम कोई एक लैंग्वेज क्या करें आप पकड़े, ठीक है। कई लोग सी पकड़ते हैं, कई लोग C++ पकड़ते हैं, कई लोग जावा, PHP, पाइथन, कोई भी एक लैंग्वेज जो आप जिसमें इंटरेस्ट आप रखते हो उसको आप क्या करो पकड़ लो और उसमें आप पूरा डूब के कोडिंग कर रहे, तो उससे आपके क्या होते हैं स्किल्स जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज के जो लॉजिक्स होते हैं वो कई लैंग्वेज में डिवाइड भी होते हैं। तो जिस बंदे ने जावा किया उस बंदे को पाइथन भी बहुत कुछ समझ में आने लगता है, क्योंकि लॉजिक्स सबके क्या होते हैं एक ही होते हैं। तो आप क्या करें किसी एक लैंग्वेज को क्या करें पहले पकड़ के स्टार्ट करें। दूसरा आपको क्या करना है, सेकेंड जब आप एक लैंग्वेज में थोड़े माहिर होने लगते हैं, जब आपको लगता है कि चलो कोडिंग हमारी बहुत अच्छी होने लगी है, तो आप क्या करें एल्गोरिथम्स बनाना स्टार्ट करें। एल्गोरिथम्स का मतलब क्या होता है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाना। जैसे आप देख रहे हैं कि आपको कोई मैनुअल वर्क को कंप्राइज कर रहे हैं, तो मैनुअल वर्क को अगर कंप्राइज कर रहे हैं तो सबसे पहले लॉजिक्स आपको क्या करने होते हैं दिमाग में बैठ रहे होते हैं कि मैं कैसे इस वर्क को करूं। तो एल्गोरिथम्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो रियल लाइफ में आपको दिखता है उसका आप एल्गोरिथम बनाए, यानी लॉजिकल स्टेप्स बनाए। जैसे अपने CS वाले जितने बच्चे होते हैं तो उन लोग को एल्गोरिथम में क्या बनाना चाहिए, जैसे अगर आपको मैंने कहा कि आप जबलपुर स्मार्ट सिटी का सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, तो जबलपुर स्मार्ट सिटी का अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके लिए आप पहले क्या लॉजिक्स बनाए कि कैसे कैसे उसमें क्या क्या मॉड्यूल हम डालेंगे, कौन सा मॉड्यूल क्या करेगा, किस तरीके से वो वर्क करेगा। तो ऐसे एल्गोरिथम्स क्या करें आप डेवलप करें जो आपके लॉजिकल बेस पर होंगे, ठीक है। एल्गोरिथम जब आप डेवलप करते हैं तो एल्गोरिथम के डेवलप करने के बाद फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होती है कोडिंग स्टेप, और कोडिंग में हम लोग क्या करते हैं हम एप्लीकेशंस को लिखना चालू करते हैं, हम एप्लीकेशंस को बनाना क्या करते हैं चालू करते हैं। तो कोडिंग में आप करते क्या है, जो आपने लॉजिक्स बनाए उसको आप क्या करते हैं सीधे कोडिंग के द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद वो सॉफ्टवेयर फिर मार्केट में लॉन्च होता है। तो हर एल्गोरिथम ध्यान रखिएगा कोडिंग के द्वारा किसमें चेंज हो जाता है, एप्लीकेशन में चेंज हो जाता है। चौथा आपको क्या करना चाहिए प्रोग्रामिंग स्किल को बढ़ाने के लिए, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कुछ कॉम्पिटिशन में आप जरूर भाग लें। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन भी चलते हैं जिसमें कोडिंग के बीच में चैंपियनशिप चलती रहती है, आप उनमें भाग ले सकते हैं, आप कॉलेज के कॉम्पिटिशन में भाग ले सकते हैं, कुछ सेंटर्स में बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, यूनिवर्सिटीज में कॉम्पिटिशन कोडिंग्स की होती है, उनमें क्या करें आप पार्टिसिपेट करें। तो सर पार्टिसिपेट करने से क्या होता है आपके फील्ड के बहुत सारे लोगों से जब आप टकराते हैं तो आपके लॉजिक्स क्या होते हैं बहुत ज्यादा खुलते जाते हैं। तो आप रेगुलर क्या करें कुछ कॉम्पिटिशन को देखते जाओ, उनसे क्या करें फाइट करते जाओ, इससे आपके कोडिंग्स क्या होंगे लॉजिक आपके बढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप केवल कोई एक लैंग्वेज में स्टिक ना करें। जैसे एक लैंग्वेज में आप बहुत परफेक्ट हो गए, कॉम्पिटिशन में भी आपने मेडल्स जीत लिए, सर्टिफिकेट्स मिल गए, तो आप उसी लैंग्वेज में न रहे, आप उसके आगे के लैंग्वेजेस को भी सीखना चालू कर दे। जैसे आपके जावा बहुत अच्छी आ गई तो आप क्या करें पाइथन सीखना चालू कर दे, पाइथन आ गया अच्छा तो आर लैंग्वेज आप सीखना सके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक लैंग्वेज को सीखना करके हमेशा क्या करें आगे जंप करते जाए, जिससे आप और भी क्या होंगे मास्टर होते जाएंगे। और सिक्स्थ जो आपको मैं बताने वाला हूँ जिससे प्रोग्रामिंग स्किल मजबूत होती है, आप एक सॉफ्टवेयर जरूर डेवलप करें, कोई भी प्रोजेक्ट आप डेवलप करें। जैसे जिस फील्ड में आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपको अगर गाने सुनने बहुत अच्छे लगते हैं तो गाने प्ले करने के लिए एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट ऐप बना ले, ठीक है। अगर आपको फिल्म देखना अच्छा लगता है तो फिल्म को चलाने के लिए आप एक ऐप बना ले, अगर आपको मेडिकल साइंस बहुत अच्छा लगता है तो मेडिकल साइंस के लिए भी आप क्या बना सकते हैं सॉफ्टवेयर वेबसाइट या ऐप बना सकते हैं। तो आप क्या करते हैं जब आप अपने किसी भी फील्ड के बारे में सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में है, तो सॉफ्टवेयर जब आप डेवलप करते हैं तो आपको उससे और ज्यादा टेक्निकल नॉलेज होता है। तो आज ये जो मैंने 6 स्टेप्स आपको बताए, एक एक और आप क्या कर सकते हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स को ज्यादा अच्छा और पावरफुल कर सकते हैं, और आप भविष्य में एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं।